अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक से समझा देना, हमसे टकराएगा तो वो बचेगा नहीं। नीचे करो। ए बच्चा, तू जानता है किससे टकरा रहा है? कावेरी सुब्बू का दूसरा नाम मौत है। मुर्गा चिल्लाता है तो सुबह होती है, बिल्ली चिल्लाती है तो अशुभ होता है, लेकिन जब ये सूर्या अपनी उंगलियां बजाता है तो सामने जो भी खड़ा है उसका नसीब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है। उड़ा दो इसे। बॉस, गेट इनसाइड। मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ? अब तो पूरी सटक गई है मेरी। ए, खत्म कर दो। सॉरी भाई, लेके जाइए बॉस। ऐसे ले जाइए, या ऐसे ले जाइए, या फिर ऐसे ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बॉस। वो उठेगा या नहीं ये डाउट है, आराम से सो चुका है। हाँ, थैंक्स की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, मेरी ट्रेन निकल रही है। एनीवेज बाय। ए, उठो, आंखें खोल कर देखो। उठो, सुन रहे हो ना? देखो मुझे। तुम पूछ रहे थे ना मेरा प्रेमी कौन है, प्रेमी कौन है? तो गौर से देखो, ये है मेरा प्रेमी। हाँ, मैं इससे ही प्यार करती हूँ। कौन है ये लड़की? क्यों इसे अपना लवर कह रही है? इन दोनों के बीच में कौन सी लव स्टोरी है ये? ऐसे सैकड़ों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। अरे आप हैं कौन और मुझे अपना लवर क्यों बुला रही हो? और वो लोग कौन थे? अरे ओए, मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, रुकिए। वाह, अरे ऐसे रो क्यों रही हो? अरे ये क्या टर्न हो गया लाइफ में। अच्छे, वाह, अब कहाँ गई है? ओए मैडम, 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 ओए, अरे ये क्या कर रही हो? सुसाइड कर रही हो? अरे मेरी बात मानो, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, पता नहीं है क्या? मेरी बात मानो, जरा मेरे बारे में तो सोचो। अगर आपका कुछ भी हो जाए तो, अरे रे 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 रे, जरा सोचो तो। मुझे तो सबके सामने लवर बोल दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब लोग ऐसा सोचेंगे कि मैंने ही तुम्हें धक्का दे दिया और मुझे फांसी हो जाएगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं मदद करूंगा ना आपकी, इसलिए पहले शांत हो जाइए, बैठकर आराम से बात करते हैं। आइए आइए, अरे हाथ दो ना, हाथ दो, मेरा यकीन करो, हाथ दो, हाथ दो ना, आओ।
बोलो क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरा नाम हंसिका है। ये आंसू पोंछ कर भी बता सकती हो ना, पहले आंसू पोंछ लो। आसपास के 100 गांवों में से सिर्फ मेरा ही खानदान है जो गरीबों की मदद करने में विश्वास रखता है। हमारी और शेर खानदान की दुश्मनी है, फिर भी मैंने उसी खानदान के एक लड़के से प्यार किया और वो लड़का मुंबई में काम करता है। मैं भी मुंबई ही जा रही थी, मैं घर से भागकर स्टेशन पर तो आ गई पर ट्रेन 1 घंटा लेट थी और मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ लिया। अगर घर वालों को ये पता चल गया कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ तो वो लोग मुझे मार देंगे और उसे भी मार देंगे। इसलिए इसलिए वो लड़का आप ही कह दिया। खुद को बचाने के लिए मुझे ही फंसा दिया क्या? तुम भी ना, तुम्हारे लवर को फोन करके अभी तुम उसके पास जा सकती हो ना। कल शाम को संजय किसी काम से दुबई जा रहा है, आने में उसे 1 हफ्ता लगेगा। अरे इतना ही ना, तो उसके लिए सुसाइड करने की क्या जरूरत है? तब तक अपने फ्रेंड के पास जाके रह लो। अच्छा बस 1 हफ्ता रुक जाओ, अपने फ्रेंड को सारी बातें बता दो और उसके बाद अपने लवर के साथ भाग जाओ। मेरे घर वालों ने ऑलरेडी रिश्ता देख लिया है, वो लोग मुझे ढूंढ कर मेरी शादी करवा देंगे। सो मर जाना चाहती हो? ऊपर कोई ढूंढने तो आएगा नहीं ना। हाँ सुनो, प्यार में जितनी भी तकलीफें आए लेकिन दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। हाँ एक बार अपने लवर के बारे में तो सोचो। मैंने ऐसी बहुत सी केसेस हैंडल की हैं, मेरा एक्सपीरियंस मैं तुमको बताता हूँ, जरा सुनो। अभी तुम्हारा अपने घर जाना ही बेटर रहेगा, अभी चली जाओगी तो भागी हुई लड़की वापस आ गई ये सोचकर खुश हो जाएंगे सब, और 1 हफ्ते के बाद फिर से भाग जाना। अरे अरे 1 हफ्ता पहले ही तो भागी थी, अभी वापस भाग गई, उसकी तो आदत है भागने की, ऐसे सोचकर सब लोग चुप हो जाएंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। देखो 10th में फर्स्ट टाइम फेल होते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन बार बार फेल होते हैं तो कुछ नहीं लगता, और फिर लोगों को भी तो आदत हो जाती है। मेरे वापस जाकर फंसने से तो अच्छा है कि मैं अभी ही जान दे दूं। ए, रुको 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 रुको, अरे तुम मर जाओगी तो मैं जेल चला जाऊंगा, जरा बैठ जाओ सोचते हैं। 1 मिनट, ये सब जरूरी था क्या? जरूरी था क्या? हे भगवान अब क्या करूं? देखो भगवान ने आपकी लाइफ में आपको लास्ट लाइफ लाइन दी है, ऑनेस्टली ट्राई करो। मैं अभी आता हूँ, आप कहीं मत जाना, लेकिन प्लीज कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। 2 मिनट। हेलो, इतना जल्दी पहुंच गया तू? नहीं और थोड़ी देर लेट होगा, लेकिन मुझे एक डाउट आया है, पहले उसे क्लियर करो। पहुंचने से पहले ही डाउट है? अच्छा ठीक है पूछ। रोड पर एक लड़का इंटरव्यू के लिए जाता है और एक लड़का होता है जो सुसाइड करने के लिए जाता है। अब उस लड़के को इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या फिर उस लड़के को बचाना चाहिए? ऐसा क्यों पूछ रहा है बेटा, उस लड़के को बचाना जरूरी है। कितनी मुश्किल से जॉब मिला है, तो अपनी जिंदगी संवारने की बजाय वो उसे काय को बचाएगा? मरने वाले को बचाना मनुष्य का धर्म है बेटा। लेकिन मरने वाले को बचाने में उसकी खुद की लाइफ बर्बाद होगी, उसका क्या मम्मी? देख बेटा, अपनी जिंदगी बनाने के लिए भगवान हजारों चांस देंगे, मगर दूसरे की जिंदगी बचाने का हमें सिर्फ एक ही चांस मिलता है, तो मरने वाले को बचाना ही इम्पोर्टेंट है। सो मरने वाले को बचाया तो बॉर्डर पर गन पकड़कर जो देश की सेवा करने के लिए खड़े होते हैं उनकी जितना पुण्य मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स। ओके ऐसा ही करता हूँ, बाय। बॉर्डर गन ही? हेलो हेलो, अरे इसका मतलब वो आर्मी में नहीं जाने वाला? मेरे भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया, अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वैसे भी मुझे लवर तो बोल ही दिया है ना, अब तुम्हारा लवर कब आने वाला है ये सही से पूछ लो, उसके आते ही उसके साथ भाग जाना। तुम्हारे घर वाले समझेंगे तुम मेरे साथ भाग चुकी हो, उससे क्या होगा, तुम भी सेफ और तुम्हारा लवर भी सेफ, ठीक है ना? सुनो गाँव का नाम क्या है? लक्ष्मण तीर्थ। मैंने बोला था ना कि मुझे जमीन दे दो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं वादा कर चुका हूँ कि इस जमीन पर एक फैक्ट्री खड़ी होगी और हमारे खानदान का किया हुआ वादा कभी टलता नहीं है। 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, त्योहार खत्म होने के बाद जमीन देकर पैसा ले जाओ। मगर हमारी जमीन नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। भगवान के सामने तू ऊंची आवाज में बात कर सकता है, लेकिन मेरे दादा के सामने कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तुझे माफ कर सकता है लेकिन मैं नहीं करूंगा। बेटा, छोड़ दे। अच्छा मैडम, तुमको लव कैसे हुआ? तुम्हारी लव स्टोरी तो बताओ। समझो तुम्हारे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम दोनों का लव कैसे हुआ, तो मैं क्या बोलूं? इसलिए इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ना, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो जान दो, मैं नहीं पूछूंगा। आई डोंट पुश। अच्छा ये बता, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? BSc। कहाँ पढ़ी हो? मैसूर में। ओहो मैसूर, हमारा ही तो बेल्ट है। वैसे मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। फर्स्ट टाइम कॉफी डे में देखा, नेक्स्ट टाइम बस में देखा, थर्ड टाइम बस स्टॉप पर देखा, मगर तुमने देखा ही नहीं। एक बार बारिश आ रही थी तो मैंने तुम्हें छाता दिया, दूसरी बार बैग छोड़कर गई थी तो मैंने तुम्हें बैग लाकर दिया, तुमने थैंक यू बोला, मैंने आई लव यू बोल दिया। स्टार्ट में तो हूँ बोली, लेकिन बाद में हाँ बोल दी। हाँ
हेलो, बस में हूँ जी। हाँ पहुँच रही हूँ। अरे कहाँ है तुम्हारा गांव? दिख ही नहीं रहा है। थोड़ी दूर चलकर जाना होगा। क्या बात है, तुम्हारा गांव तो कलरफुल लग रहा है। यहाँ मेला चल रहा है क्या? ओ, कौन से भगवान का? लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। सिंह निवास। ओहो, अरे कमाल है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। पूरा खाली खाली लग रहा है। इतनी बड़ी हवेली, लेकिन कोई रहता है कि नहीं इसमें? अप्पा जी, वो आ गया। वो आ गया? अरे कौन आ गया?